मुझे खुद देखिए, हमने इन लड़कों को बुलाया, ये भाग रहे थे पुलिस को देख करके। हमने इनको बुलाया, इनसे बातचीत किया और कहा कि आप एक ज्ञापन लिख करके दे दीजिए, जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं उनको हम भारत सरकार तक पहुंचा देंगे। सभी बच्चे मान गए और उन्होंने अपना एक ज्ञापन तैयार करके एडीएम साहब को सौंप दिया है, जिसको हम भारत सरकार को भेज देंगे। बाकी सब काम शांतिपूर्वक निपट गया है। इसके अलावा सर, बंजारीपुर गांव में भी कुछ लोगों ने ट्रैक जाम किया हुआ था, उसको लेकर क्या किया गया? नहीं, बंजारीपुर में ट्रैक नहीं जाम किया था, वो ट्रैक आ रहे थे, उन्हें हमने ट्रैक में रोक लिया था। उसमें से कुछ लोगों को हम लेके आए हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की काफी अच्छी तैयारी सुबह से ही चल रही है और मैं भी मोर्चा एडीएम साहब के साथ संभाला हुआ, हमारे कप्तान साहब ने भी संभाला हुआ है। यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक एसबी सिंह और एसडीएम सदर और शहर कोतवाल और अन्य थाने की फोर्स क्यूआरटी पीएसी सभी लोगों द्वारा गाजीपुर सिटी और आसपास के क्षेत्रों पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और जिले में अभी भी शांति व्यवस्था कायम है। हाँ, उस पर कुछ लोगों के जाँच चल रही है, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। बाकी वहाँ पर भी ट्रैक पर कुछ लोग आ रहे थे तो उनको बातचीत
करके रोका गया और रोक कर उसमें से 22 लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है और जांच के बाद फिर जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।